राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है तो ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज भरतपुर आएंगे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचेंगे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, कॉलेज ग्राउंड से बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। बता दें कि पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है। आने वाले समय में चुनाव भी हैं। भरतपुर संभाग के 19 सीटों पर भी विशेष फोकस रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है क्योंकि आपको बताने कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, बताने की कॉलेज ग्राउंड में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को देंगे गुरु मंत्र। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके के कार्यक्रम है और तैयारियां कैसे चल रही है? बिल्कुल, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, 3 घंटे भरतपुर में रुकेंगे, हेलीकॉप्टर से करीब 1 से 1.5 के बीच में पहुंचेंगे। 1 बजे का कार्यक्रम अभी घोषित है लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है वो 1.5 भी बच सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का ये दौरा जो है ना, पूर्वी राजस्थान का दौरा, ये अमित शाह की जो इस साल चुनावी साल है, इसलिए ये चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान जो है उसकी 39 सीटों में पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन बीजेपी का अच्छा नहीं रहा था, इसलिए माना जा रहा है कि इस साल इस पर विशेष फोकस रहेगा। और उस पर भी विशेषकर भरतपुर संभाग, जिसकी 19 सीटों में से केवल 1 सीट पर भाजपा पिछले चुनावों में 18 के चुनावों में जीत पाई थी, और वो भी 1 सीट जो राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण पार्टी से बाहर कर दी गई, और उसके बाद अब पूरी तरह से पूरा संभाग खाली पड़ा है। इसलिए यहाँ फसल बोने के लिए अब यहाँ इसलिए आ रहे हैं अमित शाह कि यहाँ चुनावी मंत्र दे सकें कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जब जीत लिया था भाजपा ने, तो राजस्थान में इसी फार्मूले को अपनाना चाह रही है। इसलिए पिछले 6 महीने से लगातार पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी, वो बूथ कमेटियों को उसको गठन का प्रेशर बना रही थी, और बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है। तो भरतपुर संभाग में करीब 4003 बूथ कमेटियां बन चुकी हैं, 19 मंडल और 648 शक्ति केंद्र बनाए गए। इनके 25,000 कार्यकर्ता आज भरतपुर में जुटेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री उनसे रूबरू होंगे और उन्हें चुनावी जीत का मंत्र देंगे। सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज चुनावी मंत्र भी यहाँ पर दिया जाएगा, आने वाले साल में चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी नजरें लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम होना है वहां पर अगर तैयारियों की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर अभी कौन कौन उपस्थित है, क्योंकि 1 बजे में ज्यादा समय शेष नहीं है। बिल्कुल, राजस्थान लेवल के सारे जो पदाधिकारी हैं वो भरतपुर पहुंच चुके हैं, जिनमें जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी कल ही भरतपुर आ गए थे, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौर भी आ गए थे, जो यहाँ के संभाग प्रभारी हैं वो भी पहुंच चुके थे, मुकेश दादी, और उसके अलावा अरुण सिंह का आने का, जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका आने का, और उसके अलावा चंद्रशेखर का, इन तमाम जो संगठन के वो हैं पदाधिकारी, इनका यहाँ आना है। और उसके बाद अब चूंकि समय ज्यादा नहीं रहा है, धीरे धीरे जो भी पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता थे, जो सत्ता में रहे थे, जो मंत्री वगैरह रहे थे, वो भी धीरे धीरे यहाँ भरतपुर पहुंच रहे हैं। तमाम पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी भरतपुर पहुंच रहे हैं। तो एक एक करके नेताओं का यहाँ जमावड़ा पूरा हो रहा है, और सारी जो बूथ कमेटियों के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ लगातार इकट्ठा होते जा रहे हैं। एक विशाल पंडाल बनाया गया है भरतपुर MSG कॉलेज ग्राउंड में, उस विशाल पंडाल में ये सब एकत्रित हो रहे हैं, और 1 बजे से 1.5 बजे के बीच में जैसे ही वहाँ कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तभी ये सब लोग वहाँ, तब तक वहाँ सारी पूरी जो भीड़ है वो जुट चुकी होगी। जी चलिए ठीक है राजीव, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि 1 बजे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर पहुंच जाएंगे। आज कई कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। करीब 25,000 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, गुरु मंत्र यहां पर देते हुए वो नजर आएंगे। तो आज काफी महत्वपूर्ण दौरा है, भरतपुर आएंगे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। संभाग के 4,000
तीन बूथ के कार्यकर्ता इसमें जुटने भी जा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि काफी अहम यहां पर व्यवस्था जो है वो भी देखने को मिल रही है। करीब 25,000 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।